नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस कब है 2024 में, क्या खरीदें जिससे आपको पूरे साल किसी चीज़ की परेशानी ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़े, और सही मुहूर्त के बारे में आपको बताएंगे आप किस समय खरीदारी कर सकते हैं और किन चीज़ों की आपको खरीदारी करनी चाहिए। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए छोटे छोटे से कुछ उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में खरीदारी भी करनी चाहिए। धनतेरस पे घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियां दूर होती हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिया घर लाने की परंपरा है। धनतेरस के दिन दीप दान का विशेष महत्व बताया गया। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, यानी धनतेरस के एक दिन बाद यम का दिया निकालते हैं, उस दिन की बात हो रही है। धनतेरस से ही सारी जानकारियां जुड़ी हुई हैं। आपको अगर आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि निरंतर ही बनी रहे। धनतेरस के दिन वृषभ काल में यानी शाम के समय 6:31 से 8:27 तक रहेगा। वृषभ काल के समय माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ समय रहेगा। 29 अक्टूबर को दोपहर 4:20 से लेकर के शाम के 6:15 तक आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। बताते हैं किन चीज़ों की खरीदारी आज के दिन आपको करनी चाहिए। सोना चांदी से बने सिक्के, आभूषण, पीतल तांबे, कांसे के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, झाड़ू, धातु या मिट्टी के बर्तन भी आपको आज के दिन खरीदने चाहिए। लोहा या एल्युमिनियम की चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग फ़ोन वगैरह खरीदते हैं, फ़ोन भी लोहा ही होता है, गाड़ी वाहन भी लोहा ही होता है, इसलिए संभल करके इन चीज़ों का शुभ मुहूर्त में आप खरीदारी करें। ध्यान रखें कि जब आप खरीदारी करने जा रहे हो तो राहु काल के समय इन चीज़ों की खरीदारी ना करें। और जो भी आपको दिवाली के दिन चढ़ाने के लिए सामान लाना है, जैसे कि कौड़ी हो गई, छोटा झाड़ू हो गया, धनिया हो गया, उन सारी चीज़ों की भी खरीदारी आप कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, धनतेरस को सामान ला करके दिवाली के दिन पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो धनतेरस के दिन ही पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करके अपने घर के बाहर और घर के अंदर मिट्टी का दिया अवश्य ही लगाएं। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होगी और आपके घर में धन संचार का रास्ता बनेगा, माता लक्ष्मी का आगमन होगा। हो सके तो किसी गरीब की मदद करिए। अगर आप धनतेरस की पूजा नहीं करते हैं तो आप ज़रूर से उस दिन खरीदारी तो करिएगा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहीं पे वीडियो को अपने संपन्न करते हैं। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।